गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज होली है तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली। हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और हम लोग सुबह सुबह ही आज 5 बजे उठ गए हैं और ये देखिए क्या किए हैं। हम नहीं लगाए हैं अभी तक किसी को। मेरा हाथ देखिए अभी तक साफ है और हमको कौन लगाया है सो देख लीजिए। इनका भी अभी गाल साफ है, इनको अभी हम नहीं लगाए हैं, सबको लगाएंगे। तो अभी तो सुबह ही हुआ है, अभी हम दही वड़ा का तैयारी कर लिए हैं। और हम लोग इतना भुलक्कर आदमी है पता है, अब हम लोग छोला वाला जो है ना आज अभी खरीदें। अब अभी फूलने डालेंगे तो 4-5 घंटा बाद फूलेगा, तो पता नहीं कब बनेगा। पुआ भी का भी मसाला वगैरह घोर घाड़ के रख लिए हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, अभी हम क्या क्या करेंगे वो सब आपको आज दिखाने वाले हैं। और आप लोग होली कैसे मना रहे हैं वो भी बताइएगा। सिर्फ मेरा बाबू नहीं आया है तो 50-50 हो गया है मेरा होली, यानी कि ये आए हुए हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मेरा बाबू नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसको हम बोले थे उस शैतान को कि आने के लिए, लेकिन वो हमसे प्रॉमिस किया था कि आएंगे होली में, लेकिन नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार शायद हॉस्टल का वो इंजॉय करना चाहता है। तो मटन देखिए कितना अच्छा से बन रहा है, अभी जस्ट इसको चढ़ा दिए हैं, अभी बज रहा है सुबह का 9, तो 1-1.5 घंटा में बन जाएगा। क्योंकि हम तो कुकर में बनाते नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कुकर का मटन किसी को पसंद नहीं आता। और इधर हम दही वड़ा देखिए फ्राई कर लिए थे और इसको गर्म पानी में डाल दिए थे, अब इसको गर्म पानी से निकाल रहे हैं, फिर इसको हम दही में डुबाएंगे, तब आप लोग को खाने के लिए हम देंगे। होली का मतलब होता है कि सिर्फ पेट भर के खाते रहिए, अब पहले की तरह रौनक नहीं लगता है। क्या आप लोग के यहाँ लगता है, आप लोग जहाँ जहाँ से हो, हम लोग के यहाँ तो होली का पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा लग रहा है अपने में ही खोए रहे हैं, अब कोई पहले की तरह खेलता भी नहीं है। तो दही वड़ा देखिए हम इसमें डाल दिए हैं और ये अभी बंद करके रख देंगे, तो ये अच्छे से ये सब में दही घुस जाएगा। और थोड़ा सा दही हम रख लिए हैं ताकि ऊपर से भी सर्व करने के लिए चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो वो अच्छा लगेगा ताकि हम ऊपर से सर्व कर सकेंगे। ये मस्त वाला, ये वाला लाते हैं ट्रे, हमको बहुत दिन से पसंद था, तो इस बार हम मेरे लिए ये होली के टाइम में ला दिए हैं। 2 बोला है, एक ये चौला वाला ला है, एक गोल वाला, और इसका देखिए इसमें ये ढक्कन भी है, मस्त इस तरह से। पुआ बन रहा है, खाना है आप लोग को, आइए। और इधर चावल भी चढ़ाए हुए हैं, उधर मटन भी बन रहा है, सारा काम एक साथ हो रहा है। खाने में हम बनाए थे दही वड़ा, इसमें इमली का चटनी, धनिया पत्ता वगैरह डाल के बड़ी बेटी को हम अपना काट कर सजा कर दिए हैं। और ये मटन, और ये ज़्यादा खाना नहीं खाती, एक पुआ है, 2 रोटी, थोड़ा चावल, और हम खीर भी बनाए हैं। अभी छोला बन ही रहा है, ये देखिए इधर देखिए, आपको मैं हैप्पी होली कर दी। ये देखिए इनको हम कितना सारा कलर लगा दिए, मस्त है। और हम भी जा रहे हैं अब नहाने के लिए, अब नहा धोवा लेते हैं, कलर वगैरह छुड़ा लेते हैं, क्योंकि खाना वगैरह बन चुका है, अभी कोई काम नहीं है, शाम का अबीर का तैयारी होगा, इसलिए अब जा रहे हैं नहाने। तो हम नहा धोवा लिए हैं फ्रेंड्स, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अपना डेंटिंग पेंटिंग मार रहे हैं, नेल पेंट कर रहे हैं। नेल पेंट कल हटा दिए थे थिनर से ना, तो दोबारा कलर ही नहीं किए थे, तो इसलिए सोचे आज कलर अब करिए लेते हैं, नहीं तो कैसा लगेगा। और शादीशुदा लोग का तो हाथ बिना नेल पेंट वगैरह का सुंदर लगता ही नहीं है। तो ये देखिए मेरा ये कलर कैसा है, ये मेरी बेटी के चॉइस का है, किसी को पसंद नहीं आता है, कहता है सबकी नहीं है अच्छा कलर नहीं, आप बताइए तो ये कैसा कलर है, लेकिन मेरे हाथ में सुंदर लगता है। कैसा लगता है ये कलर, हमको भी अब अच्छा लगने लगा है ये कलर। उसके बाद फिर अभी चूड़ी पहनेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। सही से सेट है ना ये सब,
सही से सेट किया था, देख लिए थे इसको। ये देखिए चूड़ी हम कल उस दिन लाए थे, बहुत अच्छा लग रहे थे, मस्त मस्त बना के दिए थे। हम लोग का जान पहचान वाला दुकान है वो। कैसा लग रहा है देखिए ना, हम पहन रहे हैं, कैसा लग रहा है? मेरा नेल पेंट खराब हो गया, देखो ना नेल पेंट बिगड़ गया। ओहो, ये जल्दी सूखता नहीं क्यों नहीं है? ये सब सूख गया, यही वाला नहीं सूखा था, देखिए ना नेल पेंट मेरा बिगड़ गया। यहाँ तो कैसे खाली खाली लगता है, देखने में ना भद्दा एकदम। ये निशा नहीं सूखा है मेरा दोनों नेल पेंट, साला सब लगाया फिर हो गया। धीरे धीरे पहन लेंगे। देखिए मेरा चूड़ी कैसा लगा, देखिए ना सब कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब कंगना उसे जिना करे क्या इशारे फ्रेंड आप लोग बताइए कि मेरा चूड़ी कैसा लगा इस बार का। इस बार मैं खुद चूड़ी सिलेक्शन की हूँ, हर बार ये लाते थे हमको पसंद नहीं आता था, रियल बोलिए ना था इस बार का चूड़ी। वो इतना जानती है, दिखा रहा था, जानती नहीं रोशन की ये ले लीजिए वो ले लीजिए, लेकिन हम लास्ट में दुकान में चुनते चुनते हमको ये वाला मेटल वाला इसमें सही लग रहा है ना अभी हमको, जैसे तैसे यही चूड़ी में जानती यही चूड़ी सेट करके रख दे रहा था। हमको होली का लेना था ना, इसीलिए इस बार होली में हम ही सुंदर लगेंगे। ये देखिए मेरी बेटी ने नेल्स कितना अच्छा लगाया है, मुझे भी लगाना है, कितना सुंदर लग रहा है, ढेर सारा लग रहा है, इतना सुंदर सुंदर नखन लग रहा है ना, मजा आ रहा है देखने में। अभी का जमाना अच्छा, मेरा तो अब ओरिजिनल वाला है लेकिन मेरा नकली वाला भी लगाना था। फाइनली देखिए हम लोग का अबीर का टाइम हो गया हुआ है, और मैं कैसी लग रही हूँ सो भी देखिए, मेरा ड्रेस और मैं खुद कैसी दिख रही हूँ, देख रहे हैं सब मेरे को कैसे लगा है कलर, ऐसे 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 ऐसे। देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, अगर हो पाया तो दिखाऊंगी, प्रॉमिस नहीं करती हूँ। अभी मैं यहाँ से अपने भाई के घर जाऊंगी सीधे।